नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का एक रिपोर्ट जारी हुआ, जिसके हिसाब से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इंक्लूडिंग रसिया, यूएसए सबकी मिलिट्री के बारे में और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी दी गई है। माँ कसम मुर्गा भैंचोद, ओके ओके, रोक लूंगा तो मैं यहाँ पे, ओके ठीक है। इसके हिसाब से प्रेजेंट टाइम में इंडिया फोर्थ नंबर की वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, वहीं पाकिस्तान 9 नंबर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की, चाइना तीसरे नंबर पे है इसमें, और ओबीसीली यूएसए 1 नंबर पे है और रूस 2 नंबर पे है। इंडिया और चाइना का कंपैरिजन कर लेते हैं जो रिपोर्ट में कहा गया है, बाकी पाकिस्तान टक्कर में नहीं है, इस वजह से उसका कंपैरिजन हम नहीं करने वाले। अगर पूरे एशिया में देखा जाए तो चाइना सबसे ज्यादा डिफेंस बजट खर्चा करने वाला देश है, जो टोटल $229 बिलियन खर्चा करता है, वहीं इंडिया $73.9 बिलियन खर्चा करता है। इस हिसाब से चाइना इंडिया से लगभग 160 से लेकर 165 बिलियन ज्यादा खर्चा करता है अपने डिफेंस बजट पे। इसके बाद में यूएस की एक अलग से स्टडी है, सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इन्वेस्टमेंट स्टडीज जिसको बोलते हैं, उसने कहा है कि चाइना छुपाता है, ज्यादा पैसा खर्चा करता है, दिखाता है कि हम 229 बिलियन ही खर्चा कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर इंडेक्स, चाइना का जो डिफेंस बजट है ये सेकेंड हाईएस्ट ग्लोबली है, क्योंकि इंडिया जो है वो नंबर 4 पे है इस मामले में, और बहुत ज्यादा गैप है इंडिया और चाइना के डिफेंस बजट में, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इंडिया का जो एनुअल बजट होता है उसका 13% ये डिफेंस पे खर्चा करते हैं, वही चाइना जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उस हिसाब से उसको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। इंडिया के पास में 1.45 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स हैं, वहीं चाइना के पास में 2.3 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स हैं, यानी सोल्जर्स हैं। अब मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट बता देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। टोटल इंडिया के पास में एक्टिव पर्सनल 14,55,550 हैं, चाइना के पास में 20,35,000 हैं। इंडिया का डिफेंस बजट जो है वो 73.9 बिलियन है, वहीं चाइना का 229 बिलियन है। इंडिया के पास में टोटल एयरक्राफ्ट 2,296 हैं, चाइना के पास में 3,304 है। इंडिया के पास टैंक 4,614 हैं, चाइना के पास में 5,000 है। आर्मर्ड व्हीकल जो है इंडिया के पास में 151,248 है, चाइना के पास में 174,300 है। इंडिया के पास में नेवल फ्लीट 294 है, चाइना के पास में 730 है। इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा लॉन्च होने वाला है चाइना का, इंडिया का अब बनेगा इन द फ्यूचर, डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल ने अभी पास नहीं किया है। तो दुनिया भर के जो मिलिट्री के बारे में ज्यादा ज्ञान रखते हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है हाई एल्टीट्यूड पे, वहां पे इंडियन आर्मी जो है वो ज्यादा अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे, इस वजह से चाइनीज आर्मी को उस हिसाब से लीड नहीं मिल पाती है। आप इस वीडियो की क्लिप देख लो, पूरी वीडियो में इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ये भी हाल ही की वीडियो है कि क्या हुआ है। देखो, इंडिया के बॉर्डर के साइड में टोटल 2.5 लाख ट्रूप्स जो है वो चाइना ने डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन ज्यादातर ये सिंजियांग एरिया में है, क्योंकि सिंजियांग को इन लोगों ने कब्जा कर रखा है तो वहां आर्मी डिप्लॉय करके रखनी पड़ती है। टोटल 40,000 जो है वो तिब्बत एरियाज में है, जो फ्रंट में है इंडिया के साथ में। हालांकि एयरफोर्स के मामले में चाइना के पास में 3,304 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं इंडिया के पास में 2,296 हैं। चाइना का जो J-20 चोगांदू है ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, इंडिया के पास में 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। इंडिया के पास में 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट राफेल और तेजस MK-1A है। जो तेजस प्रोग्राम है वो 1985 के आसपास में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो काफी पुराने फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के पास में है।
अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड कैंडी स्कूल्स बिहार सेंटर अराउंड 180 चाइनीज एयरक्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट है अंडर वेस्टर्न कमांड, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि मंगोलिया और रशिया के बॉर्डर को भी देखें और म्यांमार के बॉर्डर को भी देखें। वहीं इंडिया ने 270 फाइटर जेट को पोजीशन कर रखा है डिफरेंट कमांड्स पे काउंटर करने के लिए चाइना को। अगर डिफरेंस दोनों देशों के बीच के फाइटर जेट का हटा दिया जाए तो कंपेटिवली इंडिया ने पर्सनली इनके लिए 270 फाइटर जेट लगा रखे हैं कि हम इनको काउंटर करेंगे। हालांकि नेवी के मामले में चाइना बहुत आगे है, और ये बात सही भी है, चाइना के पास में बहुत सारे फ्लीट हैं, टोटल 730 फ्लीट हैं जिसमें 61 सबमरीन है, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। इंडिया के पास में 294 फ्लीट है जिसमें 18 सबमरीन है और 0 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, तो इस मामले में इंडिया पीछे है, कहीं भी आ जा सकती है। दोनों के पास में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है ब्लू वाटर्स नेवीज। अब देखो इंडियन आर्मी के स्ट्रेंथ से, अगर पाकिस्तान के आर्मी के स्ट्रेंथ से आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो ले आऊँ। बाकी वीडियो को यार लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। December. His vehicle got stuck here. I helped him to take out his vehicle. Just yesterday, when my vehicle got stuck, Lesson Road didn't help me. Lesson Road didn't help me. Lesson Road was helping me. Lesson Road didn't help me. I know. Tell him to explain, let him go. To be friendly. Tell him. नाले के रास्ते 6 घंटे चल गया मैं, पूछ लो सर से, ठीक है, छाले पड़े पैर में। Okay. Can you just let's get it.